विराट कोहली ने अपने फैंस को पिछले एक हफ्ते में दो दो झटके दिए। पहले उन्होंने T20 क्रिकेट में भारत की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, फिर रविवार को कहा कि IPL के बाद RCB की कप्तानी भी छोड़ देंगे। IPL की शुरुआत से ही विराट और RCB का साथ रहा है। सोमवार शाम होने वाला, यानी कि अब से कुछ ही देर में होने वाला RCB और KKR का मुकाबला कोहली के लिए 200वां IPL मैच होगा। विराट ने सबसे छोटे फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने के पीछे वर्कलोड कम करने की वजह बताया, हालांकि रिपोर्ट्स कुछ और ही हालात बयां कर रही हैं। फिर भी फैंस ने कोहली का जमकर साथ दिया है। कोहली ने इन दो फैसलों से फैंस मायूस जरूर हुए हैं, मगर सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। सोमवार सुबह तो MS धोनी के फैंस भी कोहली के सपोर्ट में ट्रेंड करते चलते नजर आए। RCB IPL में अब सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली टीमों में से एक है। आज मैच डे है तो सोशल मीडिया पर खूब बज भी है। विराट अपने हालिया फैसलों की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। सोमवार सुबह लव यू विराट और #MSDNStandWithViratKohli #MSDN में ट्रेंड थे। धोनी समर्थकों ने कोहली और माही की कई तस्वीरें साझा की और लिखा है कि वो हमेशा विराट का साथ देंगे। हालांकि विराट ने ये फैसला क्यों लिया, अचानक कप्तानी क्यों छोड़ी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद अब नए कप्तान के लिए काफी ज्यादा माथापच्ची RCB खेमे में भी मच चुकी है। दरअसल AB de Villiers 37 साल के हो चुके हैं और वो लॉन्ग टाइम कप्तानों की चॉइस में तो RCB के लिए नहीं होंगे। वहीं ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस हर साल बदलता रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भी कप्तान बन सकते हैं। तो बचे देवदत्त पाडिकल। हो सकता है कि देवदत्त पाडिकल के हाथ में ये बड़ी जिम्मेदारी RCB की तरफ से सौंप दी जाए। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।